A block is kept on a horizontal table. The table is undergoing simple harmonic motion of frequency 3 Hz in the horizontal plane. The coefficient of static friction between block and the table is 0.72. Find the maximum amplitude of the table at which the block does not slip on the table. ठीक है, सो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको हम लोग देखते हैं. ठीक है, सो एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसको एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रख दिया गया. मान लीजिए इस तरह से कोई टेबल है हमारे पास, ठीक है, इस पर जो है एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से. ओके, सो ये टेबल जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है. ठीक है, सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर है ये टेबल मान लीजिए, तो ये क्या होगा, अपनी मीन पोजिशन के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा. ठीक है, सो करना क्या है, सबसे पहले इस टेबल का मैक्सिमम एक्सलेशन निकाल लीजिए. ठीक है, सो टेबल का जब मैक्सिमम एक्सलेशन निकाल लीजिएगा, ठीक है, सो वही एक्सलेशन क्या होगा, इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ लग जाएगा. मान लीजिए एक्सलेशन हमने निकाल लिया ए मैक्स. ठीक है, सो एक्सलेशन क्या होगा, अगर इस टेबल का एक्सलेशन मान लीजिए ए मैक्स है, मैक्सिमम एक्सलेशन हम लोग निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे ये भी हम लोग देखेंगे. ठीक है, सो एक्सलेशन आपने निकाल लिया. ठीक है, सो क्या होगा, इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स लगेगा ड्यू टू डैट एक्सलेशन. सो स्यूडो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, एम इंटू ए मैक्स. ठीक है, सो जब ब्लॉक का पर स्यूडो फोर्स इस तरफ लगेगा, सो फ्रिक्शन फोर्स इसमें क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, डैट इज म्यू देन एम इंटू जी. वाई एम जी, क्योंकि देखिए इसका डाउनवर्ड वेट एम जी होगा. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एन है, सो एन का वैल्यू एम जी के बराबर होगा, और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है डैट इज म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, सो इट इज म्यू एम जी. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ से अगर देखिए तो म्यू एम जी जो है आपका एम ए मैक्स के बराबर होगा. ठीक है, सो दैट मीन्स ए मैक्स है ना, मैक्सिमम एक्सलेशन ऑफ दिस ऑसलेशन ऑफ दिस टेबल इज इक्वल टू म्यू जी, ये होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन. ठीक है, सो ए मैक्स का वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, सो देखिए लेट द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ दिस टेबल इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू लेट से ए साइन ओमेगा टी. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाई dt. ठीक है, सो ये हमें क्या देगा, वेलोसिटी. ठीक है, देन फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग dv बाई dt. ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ x. ठीक है, सो ये हमें क्या देगा, एक्सलरेशन देगा. ठीक है, सो एक्सलरेशन निकाल लेते हैं. सो इसको पहली बार जब डिफ्रेंशिएट करोगे सो ये वैल्यू आ जाएगा ए ओमेगा, ठीक है, कॉस ओमेगा टी. ठीक है, जब सेकेंड टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सो यही वैल्यू हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर देन साइन ओमेगा टी. ठीक है, सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन, किसी भी टाइम टी पर एक्सलरेशन ये होगा. बट मैक्सिमम एक्सलरेशन अगर हम लोग निकालेंगे ए मैक्स, सो ए मैक्स का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए. निगेटिव साइन यहाँ पर क्यों है, क्योंकि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन जो है ना, ये हमेशा इसके मीन पोजिशन की तरफ होगा. ठीक है, सो ए मैक्स का वैल्यू मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे सो इट इज ओमेगा स्क्वायर ए. ओके, सो इस वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर ए से इक्वेट कर दो. ठीक है, सो इट इज म्यू जी. सो दिस ए इज व्हाट, ये जो ए हम लोग लिए हैं दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसलेशन. ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसलेशन. ठीक है, सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू होगा दिस इज म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है. सो देखिए एम्पलीट्यूड जब हम लोग निकालेंगे सो इट इज म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर. ओके, सो ये कितना हो जाएगा, म्यू इंटू जी डिवाइड बाई ओमेगा क्या होगा, टू पाई एफ का स्क्वायर. ठीक है, सो देखिए यहाँ पर जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए, म्यू का वैल्यू गिवन है 0.72 कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, और एफ का जो वैल्यू है डैट इज 3 हर्ट्ज. ठीक है ना, सो ये सारा वैल्यू इसमें पुट कीजिए, आपका एम्पलीट्यूड आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. ठीक है,